इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 बैंक कर्मियों को करंट लग गया और इस हादसे में 1 बैंक कर्मचारी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पानीपत के संजय चौक पर 3 बैंक कर्मियों को जैसे ही करंट लगा तो वो तीनों जमीन पर नीचे गिर गए। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में तीनों को सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के दौरान 1 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 को गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया है। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के डेड घोषित किए जाने के बाद भी परिजनों का मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। अपनी संतुष्टि के लिए वो निजी अस्पताल भी ले गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक करंट का शिकार हुए कर्मियों की पहचान अक्षय, अजय और आशीष के रूप में हुई है। तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तीनों की उम्र 22 से 25 साल के बीच है। तीनों ही शहर की मुखिजा कॉलोनी के रहने वाले हैं और तीनों ICICI बैंक में लोन डिपार्टमेंट में ASTK के पद पर तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि 3 बैंक कर्मियों को अचानक करंट लगता है और उसके बाद तीनों जमीन पर गिर जाते हैं और इस हादसे में 1 बैंक कर्मचारी की मौत हो जाती है। फिलहाल जो है 2 बैंक कर्मचारियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। एक बार सुन लेते हैं मौके पर जो मौजूद लोग थे, उन्होंने क्या कुछ बताया। हमारे है ना बिजली वाले की तरफ से हो रही है शिकायत की है, बिजली वालों के बाबू जी ने कि इनको ठीक करवाओ। उन्होंने बोला जी ठीक करवाएंगे, उन्होंने फिर ठीक नहीं करवाया। बाबू जी ये होना चाहिए, आप दिखा सकते हो जी, बिल्कुल ये गलत बात है इनको इनकी जी, इन्हें करवाना चाहिए जी बाबू जी। तनखा क्या कैसे भी गई हुई? हाँ जी बिल्कुल गई हुई है जी बाबू जी, बाहर भी नहीं आ सकते हम। तनखा की चीज़ की लेते हैं बाबू जी, पूछने को हो तो नहीं बाबू जी, तनखा की चीज़ की लेते हैं। पहले बोला था इनको जी, हम देखो बाबू जी हम भी किराए पर ले रखी है बाबू जी। आज यहाँ क्या हुआ? आज भी ना एक नए 2 दिन हुए थे बाबू जी लिए ने ये दुकान, आज सफाई करने आया था बेचारा, वो दूसरा बोर्ड आके अपना नया बोर्ड लगाने के जा रहा था, वो बोर्ड थोड़ा बिजली की तार टच हो रहा वोट आया बाबू जी, इसलिए हादसा हो गया बाबू जी। हाँ डेथ होगी बाबू जी बिल्कुल, 2 जने तो मतलब बच गए, देख के डेथ होगी बाबू जी। आपको बता दें कि तीनों ने मिलकर संजय चौक पर अपना एक ऑफिस किराए पर लिया हुआ था। यहाँ पुराने किसी ऑफिस का बोर्ड लटका हुआ था, उस बोर्ड को हटाकर तीनों अपने लोन डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक लोहे का बोर्ड ऊपर से गुजर रही 11,000 हाई वोल्टेज तार से जा टकराई, जिससे तीनों उसकी चपेट में आ गए और तीनों में आशीष की मौत हो गई है। बेटे ये आपको बता, 2-2.5 घंटे पहले यहाँ पे एक नए दुकानदार आए थे, किराए पे दुकान उन्होंने ली थी और वो बैंक के कर्मी बताए जा रहे हैं, तो जैसे वो पुराना बोर्ड लगा हुआ था तो उसको उतार रहे थे, जब उसको उतार रहे थे तो ऊपर से 11,000 KV की तारें गुजर रही हैं, तो जैसे उतारा उन्होंने और ऊपर से उठाया तो 11,000 KV की तार में टच हो गया और यंग लड़का 22 साल का जिसका नाम आशीष बताया जा रहा है, वो तो मौके पे ही भगवान को प्यारा हो गया और दो साथी थे उसके वो भी ICICI बैंक में बताए जा रहे हैं, तो वो झुलस गए, उनको सिविल अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ से उनके परिवार वाले जहाँ पर ले गए हैं प्राइवेट अस्पताल में, तो वो हम चाहते हैं भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य दे और ये सारी परवाही 11,000 KV की तार की वजह से हुई है और बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से हुई है। और 3-4 महीने पहले इसी बिल्कुल दुकान के साथ, बिल्कुल दुकान के दीवार के MK टावर है, 4 महीने पहले यहाँ भी एक हादसा हुआ था 11,000 KV की तार से इसके झुलसने से उसकी लड़के वो यंग लड़का था उसकी मौत हो गई थी। और हम ये प्रशासन से कहते हैं तुरंत प्रभाव से ये नंगी तारें बदली जाएँ, क्योंकि और तीसरी मौत का इंतजार ना करें। ये जो बहुत दुख हमारी यूनियन को बहुत दुख हुआ है, हमें बहुत दुख हुआ है, एक 21 साल का यंग लड़का देखा नहीं जाता, कितना जवान लड़का था, मतलब कि भगवान को प्यारा कर दिया इन्होंने नंगी तारों की वजह से, तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि आगे से मतलब ये कोई हादसे ना हो, इनको तारों को बदला जाए। कहाँ के रहने वाले थे सर और ये कब आए थे यहाँ इस कार्यालय में? कार्यालय में तो कहाँ बेचारे, कार्यालय में तो उनको कार ले क्या क्या आए थे, आज ही पहले दिन आए थे सफाई की थी कार्यालय में, कहाँ तो पहले बोर्ड लगाने आए थे, आए तो क्या उनको तो मतलब कैसे जो होनी उनको खींच के लाई यहाँ पे, तो करंट लगने से उनकी मौत होगी। आज ही आए थे, आज सफाई कर रहे थे, पुराना बोर्ड उतार के नया बोर्ड वो लगाने आए थे, अपना नया कारोबार शुरू करने आए थे। लापरवाही इसमें बिजली विभाग, बिजली विभाग की बिल्कुल शर्म, 11,000 KV की नंगी तारें जा रही, आप देख लो, खुद देख लो, आपके सामने कैमरे आप सब देखो, नंगी तारें जा रही हैं, तो उसकी वजह से लापरवाही से हो गया मतलब हादसा, मौके पर बेचारा वो तो हो गया था, 2 लड़के यंग लड़के और साथी हैं उनको अस्पताल में ले गए, देखो उनका क्या, आपको पता करो क्या। मौके पर पहुंचे
लोगों के अनुसार आशीष की एक बहन थी जिसकी कुछ समय पहले ही आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई थी। वहीं उसके पिता का भी निधन हो चुका है। घर पर मां अपने बेटे आशीष के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। घर में अब सिर्फ मां ही अकेली बची है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पानीपत के संजय चौक पर 3 बैंक कर्मचारियों को करंट लग गया, जिससे वो जमीन पर गिरते हैं और उसके बाद इस हादसे में 1 बैंक कर्मचारी की मौत हो जाती है, और जबकि 2 बैंक कर्मचारी जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, आगे जो भी अपडेट आती है हम आपको लाइव आकर बताएंगे। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।